वेलकम टू व्हील्स सिंस 2020। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल व्हील्स सिंस 2020। तो गाइस, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है आप लोगों का द अपकमिंग मारुति सुजुकी का सेलेरियो सेकेंड जनरेशन। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मारुति सुजुकी जो है अभी तक अपने फर्स्ट जनरेशन ही इंडिया में लाया है। एंड दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन 2014 में लाया गया था जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। एंड उसके बाद उसे एक अपडेट मिला था 2017 में। लेकिन दोस्तों, इस बार जो है 2021 में इस गाड़ी को सेकेंड जनरेशन आने वाला है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे गाड़ी में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, मारुति सुजुकी जो है एक इंडियन ब्रांड है एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। हर साल इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कई सारी गाड़ियाँ सेल होती है एंड इंडियन मार्केट में इसकी भी ढेर सारी गाड़ियाँ हर साल सेल होती है। एंड ऑलमोस्ट 50% सेल्स जो है इंडियन कार मार्केट का, वो दोस्तों मारुति का ही है। एंड सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार जो होता है वो हर साल मारुति का ही होता है। आज हम लोग दोस्तों मारुति सुजुकी को सेलेरियो का सेकंड जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के थ्रू स्पॉटेड किया गया है। पिछले 2019 से इस गाड़ी को देखा गया, शुरू किया है टेस्टिंग के। एंड 2020 को इसे लॉन्च किया जाने वाला था, नवंबर दिसंबर के महीने के आसपास। लेकिन जो कोरोना की वजह से इसका जो लॉन्च जो है वो डिले हो गया। एंड दोस्तों, अब इस गाड़ी को फिर से लॉन्च किया जाने वाला था मई के महीने में, लेकिन फिर से कोरोना की वजह से इसके लॉन्च जो है वो डिले हो गया है। आप लोगों को ये गाड़ी इसी साल में ही देखने को मिलेगा, अगस्त सितंबर के महीने के आसपास ये गाड़ी जो है आप लोगों को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। इस गाड़ी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाया है इसके सपोर्टेड इमेजेस को लेके, जो कि देखा गया था टेस्टिंग के थ्रू। अगर दोस्तों वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के सेकंड जनरेशन के बारे में, सेकंड जनरेशन सेलेरियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, ये आप लोगों का जो गाड़ी जो है सेकंड जनरेशन सेलेरियो आने वाला है, ये आप लोगों का हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों का वैगनर का थर्ड जनरेशन अभी बनाया गया है उसी प्लेटफॉर्म पर यह गाड़ी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। एंड दोस्तों, गाड़ी में काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे। सबसे पहले तो गाड़ी के डायमेंशन में भी चेंजेस आ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पहले से ज़्यादा बड़ी गाड़ी थोड़ी सी मिल सकती है, डायमेंशन इंक्रीज़ हो सकता है विड्थ वाइज एंड आप लोगों का हाइट वाइज एंड लेंथ वाइज भी। एंड सारी ही साथ हो सकता है कि आपको व्हील बेस में भी इंक्रीज़ देखने को मिले गाड़ी में। एंड अगर लुक की बात करें, गाड़ी के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं लुक में। सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें, आप लोग फ्रंट का लुक देख सकते हैं। थोड़ी बहुत आप लोगों को पहले से ज़्यादा हाईलाइटेड एंड अपडेटेड हेडलाइट मिलेंगे। राउंड शेप में फॉग लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं गाड़ी में। अब आप लोगों को LED DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड साथ ही साथ LED हेडलाइट भी प्रोवाइड की जा सकती है। एंड गाइस, गाड़ी के रियर की प्रोफाइल की बात करें, रियर में भी अब आप लोगों को LED टेल लाइट दी जा सकती है। एंड दोस्तों, टॉप मॉडल में आप लोगों को रियर में वाइपर, डिफॉगर एंड रियर व्यू कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल पहले से ज़्यादा एनहांस्ड एंड बोल्ड ग्रिल गाड़ी देखने को मिलेगी फ्रंट में। एंड काफ़ी सारे क्रोम फिनिशिंग टचेस भी देखने को मिल सकते हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड लुक एंड फ्रेश लुक प्रोवाइड की जाएगी इस गाड़ी को एंड काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस फिल करवाएगी ये गाड़ी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी का लेंथ जो है बढ़ जाएगा, उस वजह से पहले से ज़्यादा लॉन्गर बोनेट आप लोगों को गाड़ी में मिल सकती है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंक्रीज व्हील बेस मिलेगा गाड़ी में पहले से ज़्यादा, जिस वजह से आपको पहले से ज़्यादा कैबिन स्पेस गाड़ी में देखने को मिलेगी रियर सीटिंग के लिए।
एंड अगर दोस्तों इंटीरियर की बात करें, आप लोगों को एक फुली फ्रेश अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा, जो कि पहले से ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको दी जाएगी, जिसमें आप लोगों का स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, इंजन इमोबिलाइजर, एबीएस की वार्निंग, इग्निशन की वार्निंग, सारे साथ आप लोगों का एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वार्निंग, ये सब कुछ आप लोगों को उसी में शो किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, ये आप लोगों का फुली डिजिटल नहीं होगा, आप लोगों का वैगनर के जैसा होगा, आप लोगों को छोटा सा एक पैनल जैसा दिया जाएगा। एंड इसके साथ साथ गाड़ी की अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब में आप लोगों को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता, जिस वजह से अब आप लोगों को इस गाड़ी में जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, इसमें आप लोगों को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। मारुति का लेटेस्ट जो 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, जो उसने वैगनर एंड साथ ही साथ स्विफ्ट में यूज़ किया है, वही आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। लेकिन सब टॉप ऑफ द मॉडल ZXi या फिर ZXi Plus में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस कनेक्टेड टेक के साथ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस गाड़ी के लोअर डिमेंशन में भी आता है, तो इसमें यह 7 इंच का टच स्क्रीन आना कन्फर्म है। एंड दोस्तों जो आप लोगों का सेकेंड जनरेशन सेलेरियो है, उसमें आप लोगों को सेम इंजन एंड गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो कि आप लोगों का आउटगोइंग मॉडल में दिया आता है, जो कि आप लोगों का 1 लीटर यानी कि 1000 cc का बेसिक 4-stroke 3-cylinder पेट्रोल इंजन है, जो कि आप लोगों को 68 PS की पावर एंड 19 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है, विद हेल्प ऑफ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और आप लोगों को 5-speed AMT गियरबॉक्स देखने को मिलेगी। इन साथ ही साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक CNG इंजन ऑप्शन भी आप लोगों को इसमें देखने को मिले, जैसे कि अभी भी आप लोगों को मिलता है एक CNG सेलेरियो का। एंड दोस्तों इसके साथ साथ ये गाड़ी जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वैगनर में आप लोगों को एक 1 लीटर इंजन आता है एंड एक 1.2 लीटर यानी कि 1200 cc का भी एक इंजन आता है, उसी तरह आप लोगों को इस सेलेरियो में एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोगों का 83 PS की पावर प्रोवाइड करेगा एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जो आप लोगों का दोस्तों वैगनर आर एंड स्विफ्ट को पावर करता है यही इंजन। एंड दोस्तों इस गाड़ी का जो कॉम्पिटिटर्स है, टाटा टियागो या फिर इग्निस, डैटसन गो, वो सभी आप लोगों को 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करते हैं इस सेगमेंट में। ये गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी अपने कुछ राइवल्स के साथ, जैसे कि हुंडई की i10 नियोस, डैटसन गो एंड टाटा टियागो, ये सभी गाड़ियां जो है इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे इंडियन मार्केट में। तो गाइस अभी का जो मॉडल है सेलेरियो का फर्स्ट जनरेशन का, उसकी प्राइस जो रखी गई है वो आप लोगों का 4.41 लाख से लेकर 5.68 लाख एक शोरूम दिल्ली का प्राइस है, ये आप लोगों का एक शोरूम प्राइस गाड़ी का। एंड दोस्तों ये जो नया सेलेरियो लॉन्च होगा, ये आप लोगों का एक जो स्पेशल एडिशन आता है सेलेरियो X, वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकता है इस गाड़ी में। एंड दोस्तों ये जो आप लोगों का न्यू सेलेरियो होगा, इसकी जो प्राइस होगी वो नियरली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4.8 के आसपास से शुरू होगा, यानी कि 4,80,000 से लेकर टॉप मॉडल की प्राइसिंग लगभग 6.2 या 3 के आसपास तक हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसेस मैं आप लोग बता रहा हूँ। एंड ये आप लोगों का जो न्यू जेल सेलेरियो है, ये आप लोगों का सेट होगा आप लोगों का स्विफ्ट के नीचे, जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी स्विफ्ट के नीचे एंड आप लोगों को वैगनर के ऊपर ये गाड़ी आएगी। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।
एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पे देख सकें। तो फाइनली गाइस, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी एंड आप लोगों की ये गाड़ी के बारे में क्या राय है ये कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग मारुति सुजुकी सेलेरियो सेकेंड जनरेशन के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ जानना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप लोग कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और गाड़ी का रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में दोस्तों डाल दूंगा। तो फाइनली गाइस, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। एंड दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग इस गाड़ी के जो स्पॉटेड की गई इमेजेस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।